हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो काफ़ी औसम होने वाला है, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, आज हम जानने वाले हैं टॉप 5 इमॉर्टल कैरेक्टर्स ऑफ बेंटन यूनिवर्स के बारे में। सो गाइस, ऐसे 5 कैरेक्टर जो कि इमॉर्टल है बेंटन यूनिवर्स में। सो गाइस, बिना अपना टाइम गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बेंटन यूनिवर्स में काफ़ी सारे इमॉर्टल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आज हम जानने वाले सिर्फ 5 इमॉर्टल कैरेक्टर्स के बारे में। सो गाइज, इस टॉप 5 लिस्ट ऑफ इमॉर्टल कैरेक्टर्स के लिस्ट में नंबर 5 पे जो एलियन या जो कैरेक्टर है वो है गाइज ड्रैगन। सो गाइज, ड्रैगन को हमें देखा था बेंटन अल्टीमेट एलियन के फाइनल एपिसोड में देखा था, जो कि था अल्टीमेट एनिमी। सो गाइज, ये एपिसोड काफ़ी ऑसम था और यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट विलन भी देखने को मिला, और बेंटन का ये शायद मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली विलन या फिर दुश्मन रहा होगा। सो गाइज, ड्रैगन विलगैक्स के जैसा ही दिखता है और वो ना ही ओमनीपोटेंट है, यानी गाइज वो आधा ओमनीपोटेंट है लगभग। सो गाइज, यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन बीम है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे गाइज किसी के भी अटैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं होता, यहाँ के बेविक के अटैक्स का भी उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, वो अपना साइज जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। और गाइज, उसके पास रीजनरेशन की पावर, यानी कि इसका कोई बॉडी का पार्ट कट जाता है तो दोबारा से रिक्रिएट हो सकता है। सो गाइज, इससे हमें पता लगता है कि वो नाई ओमनीपोटेंट और साथ ही साथ वो इमॉर्टल भी है। सो गाइज, नंबर 4 पर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर तो काफ़ी औसम है और वो एक ह्यूमन भी है गाइज। सो गाइज, ये कैरेक्टर है प्रोफेसर पैराडॉक्स। जी हाँ गाइज, प्रोफेसर पैराडॉक्स भी एक इमॉर्टल कैरेक्टर है। वो इमॉर्टल तब हो गए थे जब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके थ्रू उन्हें सुपर पावर्स मिल गई थी, यानी कि टांको को मैनिपुलेट करने की। सो गाइज, उसके बाद उन्होंने 1,00,000 साल बिताए हैं और ना उन्हें भूख लगती है ना ही प्यास। सो इस तरह हम कह सकते हैं वो एक इमॉर्टल कैरेक्टर्स हैं। सो गाइज, नंबर 3 पे जो कैरेक्टर मैंने रखा है उसके लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा कि मैं इसे नंबर 3 पे रखूं या ना रखूं। सो फिर मैंने सोचा गाइज कि रख लेते हैं, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा पावरफुल लगते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हमें मिली हैं। सो गाइज, नंबर 3 पे मैंने जिसे रखा है वो है गाइज क्वांटमेनियास। सो गाइज, क्वांटमेनियास को भी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है बेंटन यूनिवर्स में, लेकिन गाइज मेरे हिसाब से ये भी इमॉर्टल है, क्योंकि ये यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इनके अस्तित्व को कुछ नहीं होता। सो गाइज, इस तरह हम कह सकते हैं कि एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, क्योंकि एरन लॉक को ओपन करने के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं होता। सो गाइज, ये इमॉर्टल कैरेक्टर हैं। सो गाइज, जैसे हम नंबर 3 पे आ गए, वैसे मुझे नंबर 2 और नंबर 1 पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है मैं किसे यहाँ पे रखूँ और किसे ना रखूँ। सो गाइज, फाइनल मैंने डिसाइड किया और मैंने रख दिया एलियन एक्स को, यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस को। सो गाइज, सेलेस्टियल सेपियंस को कहीं लोग नाई ओमनीपोटेंट कहते हैं और कई लोग ओमनीपोटेंट कहते हैं। गाइज, मेरे हिसाब से ओमनीपोटेंट, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, जो भी ये सोच सकता है वो ये कर सकता है। सो गाइज, ये ओमनीपोटेंट ही हुआ, और ओमनीपोटेंट है तो मतलब इमॉर्टल भी है, इसे मारना नामुमकिन है। लेकिन गाइज, हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मिले हैं कि कहीं पर इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि अनरविलिडास, जो कि हमने देखा था बेंटन वर्सेस यूनिवर्स के एपिसोड में। सो गाइज, मेरे हिसाब से वहाँ पे भी इन्हें बस हराया जाता है, मारा नहीं जाता, जिस हिसाब से गाइज ये इमॉर्टल बन जाते हैं, ना ही इन्हें लाख से कुछ होता है, ना ही कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन से। सो गाइज, अब हम आ गए नंबर 1। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द पीपल सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर है। सो गाइज, नंबर 1 पे है बेलिकस ऑफ सरीना, यानी कि एडियन एक्स और सेलेस्टियल सेपियंस की पर्सनैलिटीज। तो गाइज, ये पर्सनैलिटी वॉइस ऑफ अग्रेशन और वॉइस ऑफ पीस की है, जो कि शांति और क्रोध का मतलब बताती है। सो गाइज, इन दोनों के कन्विंस होने पर ही आप एलियन एक्स के पावर्स का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद आपको हराना किसी के बाप के बस की नहीं है, समझ गए ना आप लोग मेरी बात को। सो गाइज, मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊँगा नहीं, इनके साथ लड़ नहीं सकता तो इनको हराना तो दूर की बात है। तो ये हुआ ही ओमनीपोटेंट और साथ ही साथ ये है इमॉर्टल कैरेक्टर्स और मोस्ट पावरफुल इमॉर्टल कैरेक्टर्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो गाइज लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड